गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। जब से ठंड आई है, यानी कि जब से कोहरा पड़ा है, उसी के साथ स्मॉग भी देखने को मिल रहा है और इसी वजह से दिल्ली NCR के लोग और दिल्ली की सरकार काफी चिंतित है। इसको लेकर बीते दिन जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल ग्रैप 3 लागू नहीं होगा, लेकिन बीती शाम को ही मीटिंग के बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू हो चुका है। अब इस पे क्या क्या पाबंदियां हैं, ग्रैप 3 जो लागू हुआ है उसमें किन चीज़ों पर पाबंदियाँ हैं और ये कब लगाया जाता है, ये सब जान लेते हैं। आपको बता दें कि ग्रैप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत कई चीजों पर प्रतिबंध लग जाता है। राज्य सरकारें क्लास 5 तक व्यक्तिगत कक्षाएं बंद कर सकती हैं और सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ग्रैप 3 के तहत पाबंदियाँ क्या क्या है। निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइपिंग वर्क, ओपन ड्रेन सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक लेबल के काम, ईट बट्ठों के काम, वहीं RMC बैचिंग प्लांट, बड़े वेंडिंग वर्क और गैस कटिंग काम नहीं हो पाएंगे। उधर कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। मलबे का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं होगा। NCR में सभी स्टोन क्रशर पर रोक लगा दी गई है। वहीं NCR में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियाँ बंद रहेंगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रोक रहेगी। उधर BS3 की हल्की माल गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी जाएगी। वहीं अंतर्राज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल की बसें, टेम्पो, ट्रेवलर चलेंगे। वहीं राज्य सरकार चाहे तो 5वीं कक्षा तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोक सकती है और उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दे सकती है। उधर बीते कई महीनों से BJP और आम आदमी पार्टी में दिल्ली MCD के मेयर और डिप्टी मेयर के जो चुनाव होने थे उसको लेके तनातनी जारी थी। अब बीते दिन ये खबर आई है कि जो चुनाव हुए थे मेयर के और डिप्टी मेयर के, उन दोनों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर दी है, जिसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, बता देते हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार खींची ने जीत हासिल की, वहीं डिप्टी मेयर के पद पर भी आपकी जीत हुई है। इसी के बाद केजरीवाल ने कहा कि BJP ने पूरी कोशिश की कि दिल्ली को दलित मेयर ना मिल सके। इसके लिए BJP ने कई तरह की साजिशें भी रची, लेकिन मेयर चुनाव में हमारी जीत हुई। इसी के बाद आखिरकार सिविक सेंटर में मेयर का चुनाव संपन्न हुआ और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार खींची शानदार जीत दर्ज कर दिल्ली के मेयर बन गए। वहीं आप प्रत्याशी रविंद्र भारद्वाज डिप्टी मेयर चुने गए हैं। दिल्ली मेयर का चुनाव जीतने पर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने महेश कुमार को ढेर सारी बधाई भी दी। उन्होंने महेश कुमार से कहा कि आप मन लगाकर जनता के लिए काम करें और MCD में हो रहे अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी बाबा साहिब के सपनों और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। कोई भी पार्टी यदि दलित समाज का हक मारने की कोशिश करेगी तो उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने रविंद्र भारद्वाज को डिप्टी मेयर चुने जाने पर बधाई दी, उनसे निगम में हो रहे जनहित के कामों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कहा। वहीं डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने महेश कुमार और रविंद्र भारद्वाज को जीत पर बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर दोबारा बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बिहार के जमुई में जाएंगे। वहां बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती के मौके पर हो रहे जनजातीय गौरव कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो वहां क्या क्या करेंगे बता देते हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और भाजपा के अन्य नेता भी शामिल होंगे। PM जमुई के खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही वो यहां 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके अलावा वो 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। उधर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के मुताबिक जनजातीय समुदायों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर कई योजनाओं को शुभारम्भ किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री PM जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों के गृह प्रवेश में हिस्सा लेंगे। चलिए अब थोड़ी अपडेट ले लेते हैं दुनिया में जो वॉर चल रहे हैं उनकी, जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चित है, जो अभी चल रहा है, वो है इसराइल और लेबनान का युद्ध।
जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई है कि हिजबुल्ला ने इसराइल से मिसाइलें जो उसने दागी थी उसका बदला ले लिया है, क्योंकि हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर हमला किया। वो कहाँ किया है ये जान लेते हैं। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि अब उसने तेल अवीव में तेल हैम सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जो लेबनान सीमा से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने बेस को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि मिसाइलें इजरायली सेना के सैन्य खुफिया प्रभाग की हैं। साथ ही इजरायली सेना अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। आगे हिजबुल्ला ने कहा कि उसने लेबनान के साथ सीमा के पास किरियत शमोमा बस्ती और अन्य समुदायों की ओर रॉकेट दागे हैं। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि एक इजरायली हवाई हमले ने बालबेक हमे गवर्नमेंट में बालबेक शहर के आसपास के नागरिक सुरक्षित केंद्र को निशाना बनाया था। इसमें कहा गया है कि हमला तब हुआ जब 20 सदस्य अंदर थे। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बालबेक हरमेल गवर्नर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा और पोस्ट किया कि साइट में 12 शव बरामद किए गए, लेकिन मलबे को हटाने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी थी। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।